दशहरा के मौके पर लखनऊ में पीएम मोदी के भाषण पर सियासत हो रही है। पीएम के जय श्री राम कहने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जय जय श्री राम। लखनऊ के ऐशबाग में पीएम का जय श्री राम का जय घोष विपक्ष को पसंद नहीं आया। विपक्ष पीएम के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। कुछ पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वोट के लिए पीएम ने राम का नाम लिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से लखनऊ में जाके आप जय श्री राम बोल रहे हैं, आपकी आस्था है कि नहीं है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जय श्री राम के नाम पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी सोते जागते खाते पीटते उठते बैठते वो ध्रुवीकरण की ही राजनीति करते हैं। राम को मानने वाले हैं, जो राम के भक्त हैं, वो भी तो उनके उनके लिए कुछ करना है। और रामलीला में अगर प्रधानमंत्री जय श्री राम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। विजयदशमी के मौके पर पीएम आम तौर पर दिल्ली की रामलीला में रावण का दहन करते हैं। दशहरे के मौके पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री लखनऊ की रामलीला के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत और आखिर में जय श्री राम का जय घोष दिया था।